हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर राहुल कंसल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज का ये टॉपिक है हमारा स्किन केयर के ऊपर कि मैं अपना स्किन का देखभाल कैसे करता हूँ और आप भी कैसे कर सकते हैं घर पे। अभी तो खैर सब सलून वगैरह सब बंद है तो आप फेशियल या केस क्लीनअप वहाँ नहीं करा सकते हो, पर घर में कुछ काफ़ी ईजी स्टेप्स है। आपको कुछ तीन चार चीज़ें खरीदनी पड़ेगी जो आपको बताऊँगा इस वीडियो पर। अगर आप वो लेते हैं तो आप भी घर में अच्छे से फेस क्लीनअप कर सकते हैं एवरी वीक। जी हाँ, फेस क्लीनअप इज फाइन एवरी वीक, प्रोवाइडेड आप केयरफुली उसको करें, ज्यादा जोर से स्क्रबिंग ना करें या ज्यादा स्टीम ना ले तो आपके स्किन में कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होंगी। बट इट अगेन डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ स्किन यू हैव। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर पढ़िएगा क्योंकि मेरा जो डिस्क्लेमर है मैं वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं दे रहा हूँ। लास्ट टाइम से मैं देख रहा हूँ कि लोग स्किप कर देते, पढ़ते नहीं, तो आप जरूर से डिस्क्लेमर पढ़िए क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं आप ही की तरह एक लड़का हूँ जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप है फेस को अच्छे से वॉश करना। हमारी जो फेस में जो भी गंदगी होती है ना, आप कुछ भी स्क्रबिंग वगैरह करने से पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए फेस। कोई लोग क्लींजर यूज़ करते हैं, कोई लोग नॉर्मल रोज वाटर यूज़ करते हैं, कोई लोग नॉर्मल पानी से वॉश करते हैं, आपकी मर्जी। आप कुछ भी यूज़ करके वॉश कीजिए, मैं फेस वॉश यूज़ करता हूँ। अब सेकेंड स्टेप आता है, जब आपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है स्टीम लेना पड़ेगा। तो अभी तो हमें बहुत हैबिट हो गया है स्टीम लेने का, काफ़ी लोग स्टीम लेते हैं घर में, तो इट्स वेरी इजी। या तो आप वो जो छोटी सी आती है ना मशीन, इलेक्ट्रिक मशीन, वो ले आइए, या तो आपके पास घर पे होगा क्योंकि जब भी सर्दी जुकाम होता है तो हम लोग लेते हैं स्टीम। तो इट्स वेरी सिंपल, अदरवाइज वो भी नहीं है तो आप एक पतीले में गर्म पानी कीजिए, स्टव से उतारिए उसको और डिस्टेंस में रख के, मुंह ज़्यादा नज़दीक मत रखिएगा, जलने का रिस्क रहेगा। और ध्यान रखिएगा वो गर्म पानी आप पे उछले नहीं, ध्यान रखिएगा ये उछले नहीं, आपको कॉशन कर रहा हूँ। आप जब स्टीम करोगे आपकी रिस्क है, आप ध्यान से स्टीम कीजिएगा। सो ऐसे करके दुल्हन के जैसे, ऐसे करके दुल्हन बन के आपको स्टीम लेंगे, ज़्यादा क्लोज नहीं, डिस्टेंस पे रखना। बड़ा टॉवल लेने से क्या है, कवरेज अच्छा मिलेगा। तो आप स्टीम लीजिए अच्छे से, अपने चेहरे को ढक कर स्टीम लीजिए। स्टीम देने से क्या होगा, आपके जो पोर्स है जो क्लोज्ड हो रखे हैं वो सब ओपन हो जाएंगे और स्किन थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। गाइस आगे बढ़ने से पहले एक रिमाइंडर, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। ये होने के बाद आपको स्क्रबिंग करना है। आप स्क्रबिंग किससे करते हैं, कितने लोग बेसन और हल्दी से पेस्ट बना के स्क्रबिंग करते हैं, कितने लोग कॉफी पाउडर से स्क्रबिंग करते हैं, मैंने देखा है कॉफी पाउडर प्लस सम इंग्रेडिएंट लाइक हनी या रोज वाटर या कुछ ऑयल। तो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं स्क्रबिंग, बट मैं ये घरेलू ट्राई अभी तक नहीं किया हूँ। मैंने जो खरीद के लाया था मार्केट से, एक इतना ट्यूब आता 195 का, मैं वही यूज़ करता हूँ स्क्रबिंग के लिए एंड मेरे स्किन को सूट भी करता है वो, क्योंकि सबकी स्किन डिफरेंट है तो सबकी स्किन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स का डिफरेंट इफेक्ट होता है। तो ये जो मैं लाता हूँ, एक पपाया फ्लेवर आता है, एक वॉलनट फ्लेवर आता है, इस बार मेरे पास शायद वॉलनट वाला है। तो वो जब स्क्रबिंग करते हो आप तो दोनों हाथों में लेकर अच्छे से रब करना है चीक्स पे, ये जो नोज़ का एरिया है ना, ये जो एरिया है नोज़ का, यहाँ पर ज़्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं, मुझे काफ़ी ब्लैक हेड्स यहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं फोरहेड पे, ये एरिया पे ज़्यादा नहीं होता। अगर आपके पास बियर्ड है ना तो ज़्यादा ब्लैक हेड्स वगैरह नहीं होगा, बिकॉज एनी में आपकी हेयर रिकॉर्ड होती है। नेक के इधर यहाँ पर बहुत, जब मैं यंग था ना मेरे को अच्छे से वॉश करने का हैबिट नहीं था, यहाँ पीछे में भी बहुत गंदा हो जाता है, यहाँ पर काला हो जाता है, खास करके अगर आप बहुत सनी एरिया में रहते हो और बहुत डस्ट पॉल्यूशन होता है ना तो बहुत ब्लैक हो जाता है ये एरिया। तो अच्छे से इसको भी आप स्क्रब कर सकते हैं। स्क्रब करना है पर सर्कुलर मोशन में, पर सॉफ्ट, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, ताकि नहीं तो क्या होगा, स्किन बर्न हो जाती है, मतलब छिल जाती है। मेरी स्किन भी बहुत सेंसिटिव है, तो मैं एक बार एक सैलून में गया था, एक लोकल सैलून में गया था, तो उस बंदे ने स्क्रब लेके यार जोर जोर से मक दिया। करते समय तो उतना समझ में नहीं आया, पर जब मैं वहां से निकला, घर आते आते मेरी स्किन बहुत जल रही है, मैं सोचता क्या हो गया इतना जल रही है, मैं देखा रेड हो गया है पूरा स्किन, बिकॉज उसने इतना जोर का स्क्रब कर दिया कि स्किन पूरा छिल गया था। स्क्रबिंग से क्या होता है, आपके स्किन में ना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्किन थोड़ी फटती है, आपको दिखती नहीं है, तो वो हल्की स्क्रबिंग हो, तभी आपकी जो भी
गंदगी है स्किन के अंदर, जो भी जमी हुई मैल है वो निकलती है, या आपकी जो ऊपर की एक्स्ट्रा लेयर है, जैसे मेरे अभी रिसेंटली, अभी तो मैं टचअप कर रखा हूँ, तो रिसेंटली बहुत ज़्यादा एक्ने हुए थे मुझे, अभी भी स्पॉट्स दिख रहा होगा टचअप के बाद ही। तो एक्ने के कारण जो एक्स्ट्रा जो एक स्किन का लेयर बैठ जाता है वो सब स्क्रबिंग से निकल जाता है, धीरे धीरे निकलता है, एक बार में नहीं। मैंने वीडियो पे नहीं कहा था ना हेयरबैंड के बारे में, तो आप हेडबैंड ज़रूर लगा लीजिएगा या बांध लीजिएगा कपड़े से, ताकि बाल आपके नहीं इरिटेट नहीं करें। तो अब स्किन काफ़ी स्मूथ लग रही है आफ्टर एक्सपोजिएशन। पता आप सब्सक्राइब करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे लिए सब्सक्रिप्शन ही मोटिवेशन है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मैं काफ़ी रील्स बना रहा हूँ आजकल इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका मेरा लिंक है। और मेरे चैनल के दूसरे वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, यहाँ आते रहेंगे आप, जब तक वीडियो आगे देखते रहोगे तो मैं कुछ सजेशन डालता रहूँगा। और मुझे कॉमेंट बताइए आपका क्या राय है मेरे चैनल के बारे में, और मैं कौन सा वीडियो बना सकता हूँ। स्क्रबिंग के बाद जो फोर्थ स्टेप है वो कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, बट अगर आपको लगता है कि आपके नोज एरिया पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स है या वाइट हेड्स है, तो आप वो जो नोज स्ट्रिप्स आती है ना, 50 रुपये की आती है एक नोज स्ट्रिप, ऐसे करके ऐसे पुल करके लगाइएगा तो अच्छा से लगेगा। आई लव द स्मेल ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांड का, स्पॉन्सर नहीं किया इन्होंने, नाम नहीं बताऊंगा। किसी को जानना है तो इंस्टाग्राम पर डीएम करना, फॉलो करने के बाद तब बताऊंगा ना। ये थोड़ा सा नीचे आ सकता था बदन, ठीक है अभी लग गया, अब इसको निकाल नहीं सकते, 10 मिनट बाद निकालना है। हल्का सा पानी लेके बस आप एक बार फेस को वॉश कर लो, इसका जो रिमेनिंग जो भी इसका रहेगा केमिकल्स वगैरह जो भी बैक सेट है वो निकल जाए, वॉश करके तब हम लगाएंगे पैक, फेस पैक लगाना है। फिफ्थ स्टेप में फेस पैक लगाना है। अगेन फेस पैक भी हम लोग घर पे बना सकते हैं, काफ़ी वीडियोस है यूट्यूब में, आप देख सकते हैं दूसरे चैनल्स की वीडियो, काफ़ी फेस पैक की रेसिपीज काफ़ी फेस पैक की इंग्रेडिएंट दिए गए हैं उस वीडियोस पे, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं पहले करता था बचपन में, बेसन लगाता था फेस पैक के लिए और चंदन लगाता था, बट अगेन अभी रेडीमेड मिलता है तो मैं बाहर से ले आता हूँ। और अगर आपको लगता है कि एक मैं भी वीडियो बनाऊँ फेस पैक के ऊपर, तो आप कमेंट कीजिए, मैं बनाऊंगा उसको, मैं एक्सपेरिमेंट के बनाऊंगा, एक्सपेरिमेंट करके। हम मुल्तानी मिट्टी फेस पैक है, इसका भी स्मेल बहुत अच्छा है, इतना एक बार लिया हूँ। ये मतलब पान वाला एसेंस भी आता है, मतलब गुलकंद ना गुलाब जल वाला है, मज़ा आता है, पान खाने का मन हो गया गाड़ी में, दाढ़ी में मत लगाना ना इसको, दाढ़ी कट जाएगी। मतलब ये ठंडा लगेगा, ठंडा एकदम, थोड़ा तो नेक के ले लेते हैं, नेक पे कवर कर देता हूँ। तो ये सब एक्चुअली जब आप करते हो ना, इट्स बेटर अगर आप क्लीन शेव कर सकते हो तो क्लीन शेव कर लो यार, फुल स्किन का ना अच्छा रिपेयर हो जाता है अपना। मतलब आजकल करते नहीं क्लीन शेव, मैं करता नहीं क्योंकि हमारी जो लुक है ना वो बहुत डिपेंडेंट होती है। फोटोज़ भेजता हूँ सबको बियर्ड वाली, अगर बाई चांस को अचानक से बुला लेते हैं एंड देन अगर मैं क्लीन शेव हूँ तो कहाँ से बियर्ड लाऊंगा एक दिन के अंदर ना। हाँ पीछे कम ही लगाया हूँ, पीछे नहीं लगा रहा हूँ, पीछे इट्स फाइन नॉट रिक्वायर्ड। और लगाने के बाद आप ब्रेस्ट कीजिए आराम से, अगर आपके पास क्यूकम्बर पीछे से तो वो भी आप आँखों के ऊपर लगा सकते हैं। आप लेट जाओ आराम से, रिक्लाइन कर लो चेयर पे, 15 मिनट बाद मिलते हैं, मैं सोता हूँ। सॉलिडिफाइड अभी इसको हम लोग वॉश कर लेंगे, रोज वाटर भी यूज़ कर सकते हो आप, नॉर्मल से भी कर सकते हो, आप चाहे तो कॉटन को थोड़ा वेट करके इसमें हल्का सा रोज वाटर लगा के आप फाइनल टचअप कर सकते हो। जब आप ठंडे पानी से वॉश कर लोगे या ठंडे टॉवल से वाइप कर लोगे अच्छे से फेस को, आपकी जो फाइनल स्टेप है मॉइस्चराइजिंग,
आप कुछ मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो विद SPF और उसको अच्छे से फेस पे लगा के लेट इट सोक। ये SPF 50 वाला यूज करता हूँ मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन जो, बिकॉज मुंबई में काफ़ी धूप होता है एंड यहाँ पर इतना चाहिए। आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। सनस्क्रीन ना नेक पे जरूर लगाना, अगर आप टी शर्ट पहनते हो तो नेक आपकी बहुत ब्लैक हो जाती है, इतना को देखो। ये करने के बाद आप रेडी है, एंजॉय योर ग्लोइंग फेस और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना अगर अच्छा लगा तो वीडियो, लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बाय द वे इंस्टाग्राम पे मैं ना बहुत सारे रील्स डाल रहा हूँ आजकल, तो आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कीजिए और मेरे पिछले वीडियोज को भी जरूर देखिएगा। थैंक यू।